तो ये देखो फ्रेंड्स, अभी जप्पू की बैम्बिनो प्लेट रेडी हो चुकी है। मेरे को मोटा बोल रहा था, आपने खुद ही बोला था। तो ये देखो गाइस, राजमा बनके हो चुके हैं रेडी। राजमा की शक्ल देखो कितनी अच्छी लग रही है। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? तो आप बहुत अच्छे हो गए। अभी आप देख ही रहे होगे मेरी क्लास भी हो रही है, साथ में डांट भी पड़ रही है। बच्चों को तो पढ़ रही है ना? बच्चों को पढ़ रही है। तुम सारे बच्चे शोर मचाते हो, मैम स्टडी करवा रही होती है और तुम लोग शोर मचा रहे हो, तो इसलिए तुम्हें डांट पड़ रही है। मेरे को हिचकी भी आ रही है, क्लास भी हो रही है, डांट भी पड़ रही है। हनी दो। और यहाँ पे सुबह सुबह शब्द चल रहे हैं। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो गाइस, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है और दिन की शुरुआत के साथ सारे घर के काम भी शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, मैं कल शाम को मैं पार्ट पे भी चली गई थी और किसी की बर्थडे पार्टी पे चले गए थे। तो कल रात को सब्जी में कुछ भी नहीं बनाया गया घर पे, तो अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं था कि क्या बनाया जाए, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह उठा ही नहीं जाता, रात को सोते सोते 2:30 बज जाते हैं। और यहाँ पे अभी मैंने पपीता कट करके रख लिया है और आटा भी गूंध लिया। यहाँ पे मैंने तेल जो है वो फ्राई गरम करने के लिए रखा है। तो अभी जप्पू के पापा ऊपर रेडी हो रहे हैं, तो मैं भी उनसे पूछ के ही क्या खाना, तो वो बोलते हैं कि मुझे पराठे वगैरह नहीं खाने। तो चलो ठीक है गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़े। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और आलू वाले मैं सॉफ्ट ब्रेड पकौड़े नहीं बना रही, सिंपल से ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ। तो चलो ठीक है, फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जप्पू के पापा भी रेडी होके नीचे आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस। हेलो गाइस, फॉलो कर लो। तो चलो ठीक है गाइस, देखने के लिए बने रहना व्लॉग में, जाना मत कहीं पे भी। तो गाइस, अभी यहाँ पे मैंने बाउल के अंदर बेसन, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमचूर और थोड़ा सा धनिया कटा हुआ और एक ग्रीन चिली बस मैंने इसके अंदर डाली है। तो चलो ठीक है, इसको फटाफट से घोल लेते हैं। तो गाइस, अभी मैंने यहाँ पे बेसन घोल लिया और ब्रेड की स्लाइसेस को कट भी कर लिया है। और यहाँ पे चल रहा है ग्रेस ब्रो का ब्लॉग, जिसमें हमारा इंटरव्यू है और सच्ची में बहुत ही मजा आ रहा है देख के। जिन्होंने नहीं देखा, मजा आया आपको देख के? और जिन्होंने नहीं देखा, ग्रीश बटन फैमिली पे जाके हमारा इंटरव्यू देखे, एक नंबर है, एक नंबर। बहुत ही मजा आया सच्ची में देख के। सुबह से मैं कुछ 5 से 6 बार देख चुका हूँ। तो गाइज, अभी यहाँ पे छोटू छोटू से ब्रेड पकौड़े रेडी है छोटू से जप्पू के लिए, जिसने खाने हैं वो आ जाओ। अभी मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी और पूरा काम भी हो चुका है घर का ऑलमोस्ट, और आज मैं जल्दी फ्री हो चुकी हूँ क्योंकि आज कपड़े धोने के लिए नहीं थे। तो चलो ठीक है गाइज, अभी देखते हैं पूरे दिन में क्या करेंगे, जाना मत कहीं पे भी, रहना यही व्लॉग में। तो चलो ठीक है गाइज, आज बिना सोचे समझे फटाफट से भिगो लेते हैं राजमा, क्योंकि शाम को फिर बनाने के लिए सोचना पड़ता है कि क्या बनाए और क्या नहीं। मैंने राजमा भिगो दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ट्यूशन का टाइम भी हो चुका है और मैंने राजमा, आपने देखा कि मैंने राजमा भिगो दिए थे थोड़ी देर पहले। तो राजमा की रेसिपी देखने के लिए व्लॉग में बने रहना, व्लॉग को स्किप मत करना। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे शाम को राजमा की रेसिपी। तो गाइज, आपने देखा होगा कि कल या परसों, कल वाले व्लॉग में ग्रीश ब्रो ने हमारा इंटरव्यू का व्लॉग डाला था, मेरा और मेरे हस्बैंड का, लाइक शिंकू जी का। तो हमने हमारा जो इंटरव्यू का व्लॉग था, उसमें आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, क्योंकि पता क्या होता है, जब हमारे बारे में कोई चीज टीवी के अंदर या लाइक मतलब आ रही होती है ना, तो व्लॉग के अंदर आ रही होती है, तो उसके अंदर ना उस मतलब उस पे जो कमेंट्स होते हैं, वो कमेंट्स पढ़ने का जो एक्साइटमेंट लेवल होता है ना, वो अलग ही होता है। बहुत सारे लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं हमारे लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो गाइज, अभी हो चुका है लंच टाइम और पेट में लग रही है बहुत जोरों की भूख, और आज सब्जी कुछ भी नहीं बनाई मैंने, क्योंकि कल रात को हम पार्टी पे गए थे, तो सुबह मॉर्निंग में भी ब्रेड पकौड़े बना लिए थे ब्रेकफास्ट में, तो अभी सब्जी बनाने का मेरा मूड ही नहीं था। तो मैं बना रही हूँ बैम्बिनो, तो उसके लिए मैंने ये सब कुछ ले लिया है। प्याज और आलू को मैंने काट लिया बारीक बारीक, और यहाँ पे मैंने मटर भी लिए हैं। तो चलो ठीक है, फटाफट से बनाने की तैयारी करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि ऑयल गर्म हो चुका है और मैंने इसके अंदर ये अनियंस, ये पोटैटो, मटर और थोड़ी सी हरी मिर्ची जो मैंने कट करी थी उसको मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, आप देख सकते हो मैं इतना नमक डाल रही हूँ इसके अंदर, जिससे क्या होगा आलू वगैरह थोड़े जल्दी गल जाएंगे। तो चलो ठीक है, अभी मैं इसको 10 मिनट सिम पे छोड़ रही हूँ ताकि फटाफट ये गल जाए, उसके बाद मैं इसमें बैम्बिनो ऐड करूँगी।
गाइस अभी आप इसके अंदर देख सकते हो, इसके अंदर आलू भी गल चुके हैं और मटर भी गल चुके हैं। तो मैं इसके अंदर इतनी बहुत थोड़ी सी बस सिर्फ फ्लेवर के लिए रेड चिली ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जप्पू ज्यादा मिर्च नहीं खाता। और ये इतनी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ, इसको हिला लेते हैं अच्छे से। नमक मैंने इसके अंदर पहले से ऐड कर दिया था, वो मैं बाद में चेक करूंगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं ऊपर से और ऐड ऑन कर लूंगी इसके अंदर। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर बैम्बिनो ऐड कर दिया है, और मैं अब इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। उतना ही पानी डालना है बस जितने में ये भीग जाए। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डल जाएगा, दैट्स एनफ, इतना ही पानी चाहिए बस। तो चलो ठीक है गाइस, अभी इसमें एक उबाला आ जाए, फिर उसके बाद इसको बनने के लिए मैं सिम पे छोड़ दूंगी। तो अभी यहाँ पे बैम्बिनो बन के रेडी है, और मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया है। धनिया डाल के मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है चीजें। ये देखो यम्मी यम्मी बैम्बिनो, जिसको खानी है जल्दी जल्दी आ जाओ। जप्पू की बैम्बिनो प्लेट रेडी हो चुकी है, चलो जप्पू को जाके देते हैं और जप्पू से पूछते हैं जाके रिव्यूज। ओए होए कितनी गरम गरम है, देखो धुआं कैसे निकल रहा है। ये लो जप्पू, जप्पू को भूख लगी है बहुत तेज, जल्दी जल्दी खाओ और टेस्ट करके बताओ। गरम गरम। ओए होए मुंह देखो, मुंह देखो मोटू का, आराम से आराम से। ये देखो अभी जप्पू यहाँ पे पढ़ भी रहा है, मुझे टेस्ट भी दिया इसने अभी अभी हिंदी का, और मेरे से थोड़ी सी डांट भी खाई है क्योंकि अच्छा अच्छा काम नहीं किया था, है ना जप्पू? अच्छा काम किया था, डांट तो पड़ ही जाती है मम्मा से पढ़ने के टाइम पे, है ना जप्पू? चल जल्दी जल्दी टेस्ट करके बताना मुझे कैसी बनी है। एक नंबर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स अभी मैं क्लास लेके हो चुकी हूँ फ्री, और सच में मैं बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ। तो अभी जो मैंने आपको आफ्टरनून में दिखाया था कि मैंने राजमा को भिगो के रखा है, मैं उसको बॉईल करने के लिए रखने लगी हूँ। सबसे पहला स्टेप है राजमा बनाने का, राजमा को बॉईल करना। तो राजमा के अंदर मैं आधी चम्मच नमक डाल के उसको बॉइलिंग के लिए रखने जा रही हूँ। अभी आप देख सकते हो ये राजमा वैसे के वैसे भिगे हुए हैं, तो मैंने इसके अंदर टेस्ट अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर एक चम्मच नमक डाला। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, क्योंकि नमक तो ऊपर से भी ऐड हो जाता है। तो चलो ठीक है, फटाफट मैं इसको रखने लगी हूँ बॉईल करने के लिए। तो गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक पाव राजमा मैं बनाने जा रही हूँ। उसके अंदर मैंने दो प्याज लिए हैं, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, दो हरी मिर्ची क्योंकि हम लोग मिर्ची बहुत कम खाते हैं, और चार टमाटर लिए हैं। तो फटाफट से मैं इसको काट के और इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, तब तक के लिए आप बने रहना व्लॉग में, जाना कहीं मत। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम चारों बहनों की हो रही है वीडियो कॉन, और इसमें से एक दो छुप गई है, और तीसरी ने शरील का सूट पहना ना, ये वैसे की वैसी खड़ी रहेगी क्योंकि इन्होंने नया सूट पहना ना इसीलिए। तो ये देखो हम शाम को, हमारी शाम को सब्जी भी बनती है ना, तो ऐसी वीडियो कॉल पे बन जाती है जल्दी जल्दी। ये देखो मैंने अभी यहाँ पे प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्चों की भी प्यूरी बना ली है, और टमाटर की भी प्यूरी बना ली है। तो फटाफट से मसाले को भून लेते हैं, और यहाँ पे मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। यहाँ पे मेरा जो है वो ऑनियन वाला जो मसाला मैंने इसके अंदर डाला था वो भुन चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर टमाटो की प्यूरी ऐड करने जा रही हूँ, थोड़ी सी अभी इसके अंदर कचर है, इसको पूरा कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो पूरा मसाले ने पूरा अपना ऑयल छोड़ दिया है, तो मैं इसके अंदर अभी ऐड कर रही हूँ टमाटो की प्यूरी। तो अभी आप देख सकते हो अब इसकी ये टमाटो की प्यूरी भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो अभी इसको भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। आप देख सकते हो मसाला अच्छे से भुन गया है, और उसके अंदर मैंने हल्दी, थोड़ी सी कलर वाली रेड चिल्ली पाउडर, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा गर्म मसाला, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लिया है। और चलो अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो गाइज ये देखो अभी मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, और मसाले की शक्ल देखो कितनी अच्छी आई है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे राजमा भी बॉयल हो गया, फटाफट से मसाले को राजमा में मिक्स करते हैं, और उसके बाद अब जब राजमा बन जाएंगे तब आप देखना। तो तब तक के लिए बने रहना व्लॉग में, जाना मत कहीं पे भी। जप्पू के पापा नीचे आ चुके हैं, और उन्होंने हमें कॉल करके बुला लिया नीचे, और उन्होंने हमको बोला क्या खाने जाएंगे, गोलगप्पे। आप ये देखो मम्मी और मैं मैचिंग मैचिंग, ये हम दोनों के सेम सेम कपड़े।
तो गाइस अभी हम नीचे जा रहे हैं, जाके ना मैं जप्पू के पापा को बोलती हूँ कि आज गोलगप्पा चैलेंज करते हैं। हारोगे आप ही? मैं हारूंगी क्योंकि मुझे गोलगप्पे नहीं अच्छे लगते। देखते हैं जाके कोई मानेगा भी कि नहीं। तो चलो ठीक है, देखते हैं नीचे जाके कहाँ पे खड़े हैं जप्पू के पापा। मिलते हैं आपसे नीचे जाके। अभी हम आ चुके हैं गोलगप्पे खाने और हम गोलगप्पा चैलेंज कर रहे हैं। नहीं कर रहे, मैंने नहीं कर रहा, मैं हार जाऊंगी। ऐसे ही खा लेते हैं। जब्बू तू कर पापा के साथ। क्या हुआ, खा के देख ले। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, हम ऐसे गोलगप्पे खा लेते हैं, चैलेंज हम किसी और दिन करेंगे। तो अभी मम्मा गोलगप्पे खा लिए और पापा भी। मम्मा कैसे बने गोलगप्पे? मम्मा कैसे बने? एक नंबर। मेरी दो तीन गोलगप्पों में बस हो गई। कितने खाओगे? दो प्लेट होगी। मेरा तो, मैं तो वैसे चैलेंज जीत ही नहीं सकती आपके साथ। कुछ पराज गोलगप्पे खाएगा नहीं, गप्पे खाएगा नहीं। गोलगप्पे के बाद अभी हम यहाँ पे आए हैं रोल खाने। तो ये देखो फ्रेंड्स, आप लोग बोलते हो ना कि इसको मोटू मत बोला करो, ये हमने गोलगप्पे खाई है, छोटी मोटी चीजों पे हाथ नहीं रखता। ये देखो इसको चिकन रोल खाना है, तो कोई कैसे ना इसको मोटू बोले। एक नंबर बड़ा। आप मेरे को मोटा बोल रहे हो ना, आपने खुद ही बोला था। जब्बू पापा को पैसा देके चिकन सीख कबाब करना होनी थी। तो ये देखो गाइस, राजमा बनके हो चुके हैं रेडी। राजमा की शक्ल देखो कितनी अच्छी लग रही है, रेड रेड। देखने में तो बहुत ही अम्मी लग रहे हैं, बट अब जो खाएगा वो ही खा के बता सकता है कि क्या टेस्ट है इसका। तो गाइस अभी डिनर लग चुका है और आज डिनर में बने हैं राजमा राइस, जो कि आपने अभी देख ही लिए थे। वैसे शर्म किस बात की, आज ये देख लो मैंने पतीला और कुकर राइस का ऐसे ही रख लिया साथ में। तो अभी डिनर लग चुका है और हम लोग डिनर करने लगे हैं। पापा खा रहे हैं रोटी क्योंकि पापा राइस कम खाते हैं, और ये मोटू को लगता भूख ही नहीं है क्योंकि ये रोल खा के आया है। दो चम्मच ही खाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको हमारे चावल मैं नहीं खाता मूली, अगर ये क्या बोलते हैं राजमा चावल अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, फिर से नेक्स्ट व्लॉग जॉइन पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन। टाटा बाय बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.